लोक संस्कृति की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। इससे पहले हम लोग लोक साहित्य की अवधारणाओं को स्पष्ट करें पढ़े थे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोक संस्कृति की अवधारणाओं को स्पष्ट करें अथवा संस्कृति को परिभाषित करते हुए उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करें। यह हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लोक संस्कृति अर्थ एवं परिभाषा। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से कृतन स्त्रीलिंग प्रत्यय का योग से बना है, जिसका अर्थ है भूषण भूत सभ्यकृत या चेष्टा। संस्कृति शब्द का सबसे पहले उल्लेख यजुर्वेद में अवश्य मिलता है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है। यह संस्कृत में एक कहावत है, अभिच्छिन्नस्य ति देवसोम सुरवेस्य राजपोष्य यदि तार श्याम स प्रथमा संस्कृत विश्ववारा स प्रथमा वरुणी मित्र अग्रणी। मतलब सत्पर्थ ब्राह्मण तथा इतरे ब्राह्मण में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। कितिपय विद्वानों के मतानुसार संस्कृति शब्द की वेदजन्य अर्थ परंपरागत अनुयुक्त संस्कार है और कुछ के अनुसार संशोधित अथवा परिकृष्ट संस्कार है। अंग्रेजी शब्द कल्चर जो का इंग्लिश संस्कृति का अंग्रेजी शब्द है और हिंदी शब्द संस्कृति सामान्यता एकोबोधक शब्द माने जाते हैं और एक दूसरे से पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कोलेरे धातु से निष्पन्न कुतेरा शब्द से बना है, जो अंग्रेजी शब्द में पशुपालन तथा कृषि का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संस्कृति का अर्थ में इस शब्द का प्रत्यास्थापन का श्रेय अगले विद्यमान टाइलर को है। उनकी दृष्टि में कल्चर वह जटिल तत्व है जिसमें ज्ञान रीति रिवाज नीति कानून तथा आदतों का समावेश है, जिसे मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते प्राप्त करता है। हिंदी और संस्कृति संस्कृत शब्दकोश शब्दकोश में संस्कृति के विभिन्न अर्थों में दृष्टता किया गया है। गणेश शर्मा ने संस्कृति धातु कोश के अनुसार कृ धातु के साथ सम उपसर्ग पूर्वक षट का आगाम होकर संस्कृति धातु का अर्थ स्वच्छ करना बटोरना एकत्रित करना होता है। बहुत हिंदी कोश में संस्कृति शब्द की व्याप्ता और शुद्ध सुधार परिष्कार निर्माण पत्रीकरण सजावट निश्चित उद्योग आचरणगत परंपरा सभ्यता आदि अर्थ दिए गए हैं। श्री वी एस आप्टे ने संस्कृति इंग्लिश कोर्स में संस्कृत धातु का अर्थ बताया है, सजाना सवारना परिकृष्ट करना पवित्र करना मंत्र द्वारा पवित्र करना परिचित करना आदि। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर में संस्कृति शब्द सहन रहन सहन की रूढ़ी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। श्री राजगोपालचार्य ने कहा है कि किसी भी जाति अथवा राष्ट्र की सिप्त पुरुष के विचार वाणी एवं क्रिया को जो रूप प्राप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति है। सर एम मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृति इंग्लिश कोर्स में संस्कृति शब्द के तैयार करना तैयारी परिष्कार पूर्णता आदि अर्थ दिए हैं। इसी प्रकार संस्कृति शब्द का अर्थ से स्पष्ट है कि संस्कृत वे सर्वमान्य मनुष्य के व्यक्तित्व निष्पादन है परिकृष्ट बाह्य और अंतरिक्त जीवन किसी भी संस्कृति का प्रतिबिंब रहता है। वह मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया
उसकी आत्मशुद्धि कर उसकी सर्वगुणों को सर्वकृष्ट करने का कार्य करती है। मुख्य रूप से इसका संबंध आत्मा से है। संक्षेप रूप से संस्कृति सामाजिक परंपराओं से प्राप्त चिंतन अनुभव और व्यवहारिक की समस्त रीतियों का समाहिष्ट है। संस्कृति एक परम सूक्ष्म तत्व है जो सजगता से पकड़ से नहीं जाती, वह बाह्य की भांति अधात्य है। इसी प्रकार बाह्य के स्वरूप निवेचन के लिए वेदों से लेकर उद्यापति विचारों होता रहा है, परंतु उसका एक स्पष्ट स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार जब से बौद्धिक विवेचना का कर्म चला है, संस्कृत के संबंध में अनेक विद्वान विचार करते आए हैं, परंतु संस्कृति के संबंध में आज भी अनेक सांस्कृतिक महर्षियों से मतभेद हुआ है। इसका कोई निश्चित स्वरूप अभी तक सामने नहीं आया है कि संस्कृति को कैसे परिभाषित किया जाता है, क्या इसकी सुपरिभाषित अच्छी परिभाषा है। संस्कृति अतः सलीला के भांति प्रत्येक राष्ट्रीय और जाति के जीवन में व्यतीत रहती है। डॉक्टर प्राचीन साहित्य में डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने अपने ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के विकास वैदिक धारा के अंतर्गत संस्कृति का एक उदाहरण दिया है, जो वैदिक युग में संस्कृति शब्द में प्रयोग उसके स्वरूप पर प्रकाश डालता है। वह कहा है, काश्यादि देवस्य समाजस्य वा विभिन्न जीवन व्यापारेषु सामाजिक संबंधेषु वा मानवीय दृष्ट्या प्रेरणा प्रदान तत्वदाहिना समा सृष्टदेव संस्कृति उत्ते उदाहरण के अनुसार वैदिक वाड्मय से संस्कृति जीवन को प्रेरित करने वाला अभिन्न कारणों को माना गया है। आदिकालीन एवं भक्ति साहित्य भी संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ रामचरितमानस, पद्मावत, कबीर के पद, सूरदास आदि सभी महत्वपूर्ण रचनाएं तत्कालीन संस्कृति को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रकट करती है। रीतिकालीन दरबारी साहित्य भी संस्कृति आभा बिखरने से पीछे नहीं है। आधुनिक साहित्य में संस्कृति आधुनिक और पाश्चात्य दोनों के अर्थों में विद्यमान है। संस्कृति मनुष्य के विकासात्मक जीवन यापन का रीति का नाम है। अमृतलाल मानवीय संस्कृति की मानवीय आचरण के द्योतक मानते हैं। इसका संबंध मनुष्य से है, इस कारण इसे मानव संस्कृति भी कहा जा सकता है। वर्तमान में अब संस्कृति की लहर तेजी से चल रही है, जिसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्म, जो आज हमारे संस्कृति की अभिव्यक्त के माध्यम है, वे संस्कृति के विरक्त एवं खंडित रूप में भली भांति प्रकट करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत का स्वरूप नियंत्रण बदल रहा है, जिसे तत्युगीन साहित्य अभिव्यक्त करता आ रहा है। संस्कृति में अपने भीतर अनेक अर्थ आत्मसात किए हुए हैं। विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है, परंतु संस्कृत में कोई सर्वमत्य परिभाषित हो सकता है, ऐसी आग्रह किसी भी विद्वान को नहीं है। अपूर्ति जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी के अनुरूप संस्कृति के विभिन्न अर्थों से भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों को अपना और आकृष्ट किया है। वे अपने अपने दृष्टिकोण से संस्कृति को परिभाषित करते हैं, जिसे डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के अनुसार माझी सवारी जीवन वृत्ति तथा जीवन चर्चा का ही नाम संस्कृति है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार संस्कृति विवेक बुद्धि की जीवन को भली प्रकार जान लेने का नाम है। रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, वह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसे हम जन्म देते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृति के विषय में लिखते हैं, मनुष्य की श्रेष्ठ की साधना ही संस्कृति है, उसके
मानना में नाना ऐतिहासिक परंपराओं के भीतर से गुजरने और भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर संसार के विभिन्न समुदाय में उस महान मानवीय संस्कृति के भिन्न भिन्न पहलुओं का साक्षात्कार किए हैं। श्री महादेव शास्त्री दिवेकर ने संस्कृति को परिभाषित इस प्रकार किया है, सज्ञ कृतिया और परंपराओं से प्राप्त संस्कारों के समाकृष्ट को संस्कृति कहते हैं। आधुनिक विद्वान और आलोचना डॉक्टर नागेंद्र संस्कृति को परिभाषित इस प्रकार करते हैं, संस्कृति मानव जीवन का वह अवस्था है जहाँ उनकी प्राकृति राग द्वेष का परिमार्जन हो जाता है। पाश्चात्य विद्वान रैपफील्ड कहते हैं, संस्कृति परंपरा समाज बुझों का संगठन समूह है जो कला एवं कलाकृतियों में परिलक्षित होता है तथा मानव समूह में विशेषता प्रकट करते हुए परंपरागत रूपों में मान्य होता है। एमजे हॉर्स कोविस का कथन है, संस्कृति मानव व्यवहार का सीखा हुआ अंश है। जेम्स हॉस्टैंक्स के अनुसार संस्कृति मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन की विविध पक्षों को प्रकाशित करता है जिसमें देश विशेष की विभूतियों के महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं समाहित हैं। सारस्ता कहा जा सकता है कि संस्कृति समाविष्ट विकास में संलग्न विशिष्ट क्रियाओं का नाम है। संस्कृति धीरे धीरे विकसित होता है, प्रारंभ में शिक्षण संस्कार और अभ्यास के जो बीज मानव जीवन में डाले जाते हैं वह संस्कृति का आरंभिक अवस्था है और उन बीजों के प्रतिफलित होने पर मानव जीवन में जो विकास का परिमार्जन को स्पष्ट प्रकट होता है वही उसकी अंतिम स्थिति है। वास्तव में संस्कृति का कोई सुगठित और सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है जिसमें संस्कृति के सभी पहलू समाहित हो सके। संस्कृति को हमें अपने जीवन में उतार लिया है, वह हमारी आत्मा में घुल मिल गई है, हमें उसे व्यवहारिक में लाते हैं किंतु जीव स्पष्ट रूप से उसकी छवि को प्रकट नहीं कर सकते हैं। फिर भी उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति मानो अन्य इति संस्कृति अर्थात जिन क्रियाओं से मानो का संस्कार परिष्कार हो वही संस्कृति है या सर्वस्य मानो की परंपरा स्वरूप प्राप्त होता है जो समस्त मानव समूह के आचार व्यवहार में रज बसे हैं। ये थे संस्कृति लोक संस्कृति की अवधारणाएं। इससे पहले हम लोक साहित्य की अवधारणाओं के बारे में चर्चा किए थे, आप लोक संस्कृति के बारे में चर्चा की है तो कैसा लगा आपको कमेंट्स